When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, जैसे पार्ट गन का खुलता था, इसका थोड़ा डिफरेंट खुलेगा। ठीक है, ये न्यू शीट के लिए है, ब्लैंक अगर खाली शीट आप लेते हैं तो इसको सेटिंग में मॉडिफाई में जाकर सेटिंग ये खोल देंगे। अगर आपने पार्ट नहीं खोला हुआ फिर डायरेक्ट ये चीज़ खुलेगी, अगर आपने पार्ट खोला हुआ तो फिर ये चीज़ खुलती है पहले। ठीक है, ये ब्लैंक पर आकर मॉडिफाई पर क्लिक करें, यहाँ पर ISO स्टैंडर्ड, यहाँ पे पेपर का साइज सेलेक्ट करते हैं हम, A3 यूज़ कर लेते हैं, कर लें पोर्ट्रेट सीधा लैंडस्केप वाइड शक्ल में आता है, ओके कर दें। और ओके किया तो ये हमारे पास ड्राफ्टिंग खुल गई, ड्राफ्टिंग की शीट आ गई। जैसे ड्राफ्टिंग की शीट आती है सबसे पहले हम इसकी ना बैकग्राउंड सेटिंग चेंज करते हैं, जिसमें हम इसका ना बनाते हैं टेबल, इसमें लिखा होता है पार्ट के रिलेटेड कंपनी किसमें काम हो रहा है, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट का नंबर क्या, जॉब नंबर जैसी होती है, डिजाइन किसने किया, ट्रॉफी कौन कर रहा है, चेक किसने करना है, वो सारा कुछ। वो सारा कुछ करने के लिए एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट, और नीचे ये शीट बैकग्राउंड की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा ना ये देखें डल सा हो गया, तो ये हमारे पास है फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक के नंबर से नाम से बटन, फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक, इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये हम इसके अंदर उन्होंने टाइटल ब्लॉक रखे हैं मुख्तलिफ किस्म के ना, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, स्टाइल है सजीव के, हाँ तीन किस्म के उन्होंने स्टाइल रखे हैं जो कैटियन उन्होंने पहले ही बनाए हुए हैं। ठीक है, अप्लाई करें, जैसे ही अप्लाई करेंगे ये ना मोस्टली जिट DMC में ये सैम्पल नंबर 2 जो है ना ये यूज़ होता था, अप्लाई, ओके ये आ गया। ये डिजॉल सिस्टम, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा जाता है, फर्स्ट कर ले जैसे CAD सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद ओके कर दें इसको। ड्राइंग टाइटल में क्या लिखते हैं, जो ड्राइंग का नाम हो, ये बैकुलेट पार्ट है, ऊपर ले जाके ठीक है, ये जैसे ड्राइंग नंबर नहीं करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, इसको बैकुलेट पार्ट थोड़ा ऊपर चल जाता है, जो हो जाता है ऊपर भी कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ड्राइंग नंबर होता है, जो भी जॉब नंबर हो, तो हमारी प्रैक्टिस 01 कर लेते हैं इसको, 01। अगर इसको मूव करना है ये बॉक्स, ठीक है, ये देखें पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है, स्नैपशॉट, ठीक है। तो शिफ्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो ये फ्री हैंड मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक, ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको मूव कर लें, ये देख, ठीक है, ठीक है। अब वेट कितना पार्ट का होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है, शीटें कितनी हैं वो यहाँ पे आती हैं। अगर ये रिवाइज होता है, मसलन मैं बना के भेज देता हूँ, ड्राफ्टिंग होती है, चेक होता है, मसला नहीं गलत है, दोबारा आके रीन्यू होता है वो, तो यहाँ पे वो लिखा जाता है पेपर का साइज़ ये है, स्केल कौन सा है, इसके ऊपर पार्ट को यहाँ पे लिखना है, ड्रॉन बाई में उसका नाम आएगा जिसने ड्राफ्टिंग करनी है और जिस डेट पे ड्राफ्टिंग करनी है वो, डिज़ाइन बाई में उसका नाम होगा जिसने मॉडल 3D बनाना है और जिस डेट को बनाया मॉडल वो डेट आ जाएगी, और चेक बाई में जिसने चेक करना है उसका नाम और यहाँ पे जिस डेट पे चेक हुआ था वो डेट आ जाएगी। जैसे ही ये सेट हो जाए तो इसे वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से टेबल बनाना चाहते हैं आप फ्री हैंड अपनी मर्जी से, तो हमारे पास ये सारा स्केचर का सिस्टम है, लाइनें सर्कल्स लगा के अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज़ डिमेंशन के साथ कंस्ट्रेंट के साथ टोटल, यानी कि टोटल ये स्केचर बड़ा हुआ है, ड्रा कर सकते हैं कोई भी चीज़ आप ड्रा कर सकते हैं इधर, ठीक है। लाइन मोटी ब्रीक करने के लिए ये ऑप्शन है उसमें, ठीक है, एक्सेल की तरह
हाँ जी, ये इसमें आ गया कि लाइन की शेप किस टाइप की हो, लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद फिर इनके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए ये हमारे पास ये टेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें तो ये चीज़ें सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ से फॉन्ट और उसका साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटरलाइन करने के लिए ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, ये टी के साथ जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा जो भी लिखेंगे। ओके, बड़ा करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद और इसको खत्म करना हम भी देंगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर दी, खत्म हो जाएगा। वैसे कंट्रोल जी करके नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा कंट्रोल जी से। खैर, ये इसके अंदर बना हुआ है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। तो एडिट पे क्लिक करके वर्किंग व्यू में आ जाते हैं। ये दोबारा अब वर्किंग व्यू में आके ये पहले एडिट पे क्लिक करके किस पे किया था, पहले बटन आता है शीट बैकग्राउंड। दोबारा जब शीट बैकग्राउंड में चले जाते हैं आप तो वापस आने के लिए वर्किंग व्यू आता है लिखा हुआ। अब वर्किंग व्यू में आएंगे तो ये चीज़ें आप डिलीट नहीं कर सकते अब। ठीक है, अब इसके अंदर हम पार्ट लेके आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रंट व्यू की ऑप्शन, कौन सी है, इस पर क्लिक किया, विंडोज में जाके ये हमने पार्ट खोला हुआ इस पर क्लिक करेंगे, इसके किसी भी टॉप वाला जो फ्लैट फेस है उस पर क्लिक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जी सर शोएब कॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे इसका फ्लैट फेस है इस पर बेशक क्लिक कर लें, या इसका ये एक्स वाई प्लेन जिसके मुताबिक ये सीधा आपको लगता है उसके ऊपर बेशक क्लिक कर लें। मैं एक्स वाई प्लेन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास पार्ट आ गया सीधा होकर। ठीक है, ये इसकी टॉप साइड से नज़र आ रहा है, नहीं ये स्केच नहीं, ये ड्राफ्टिंग के लिए आया है। ठीक है, अब इसकी साइड चेंज अगर करनी हो आपने, फ्रंट व्यू पे क्लिक करके दोबारा उधर जाते हैं। ये पार्ट है हमारा, इधर से आके फ्रंट व्यू पे पहले क्लिक किया फिर ऊपर से आगे पार्ट खोला, ये आ गया। अब ये जो इसका ग्रीन बॉक्स है ना, इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अगर क्लिक करने से पहले आप इसकी साइड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से होगी। ठीक है, एंगल यहाँ से सेट हो, चेंज होगा इसका। ठीक ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कंट्रोल अब बाहर की तरफ क्लिक कर दें, ये इस तरह लाइन वर्क में आ जाएगा। ठीक है, अब ये थी टॉप साइड, अब इसको हमने उल्टा के दूसरी साइड से भी देखना है, सारी साइड इसकी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये है इसमें अंदर प्रोजेक्शन व्यू, ये इस तरफ फ्रंट व्यू पहले सेलेक्ट किया ना, अब है इसमें प्रोजेक्शन व्यू, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके अगर मैं ऊपर की तरफ आऊँगा ना तो इसको ऐसे उल्टा देगा, नीचे की तरफ आऊँगा तो इस तरफ को उल्टा देगा, दाएं तरफ जाऊंगा तो ऐसे उल्टा देगा, बाएं तरफ जाऊंगा तो वो उस तरफ को उल्टा देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ करते हैं, ये साइड आ गई इसके सामने। ठीक है, अब प्रोजेक्शन व्यू इस तरफ, अब ये देखें ये हमें साइड ये वाली देखनी है लेकिन ये सीधी नज़र आनी चाहिए जी। तो इसको तो उल्टाएंगे यही शेप बनेगी, अगर इसको उल्टाएं तो यही शेप आ जाएगी लेकिन वो सीधी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो बॉर्डर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखें ये रेड है। अब जो वर्किंग करेंगे वो इसके ऊपर होगी, ये देखें साइड वो ही आई है, यानी कि इसको एक्टिवेट करके देखें इससे भी साइड वो ही आएगी सेम, लेकिन फ़र्क ये है कि ये इस तरफ का वो सीधी पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमें इसके नीचे वाला हिस्से की डिमेंशन भी चाहिए, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसको मज़ीद ऊपर की तरफ उल्टाऊँगा तो ये नीचे वाला बेस आ जाएगी, इसकी नीचे से शेप जो है वो आ जाएगी। अब इसको पकड़ के बॉर्डर से इधर ले आते हैं। अब मेन कौन सा, ये मदर है जो मेन हम पहले लेके आए थे, इसको बॉर्डर से अगर मैं चेंज करूंगा तो सारे चेंज होंगे। इसके बाद ये इसका चाइल्ड है, इसको हम ऊपर नीचे बस चेंज कर सकते हैं, दाएं बाएं नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका चाइल्ड है तो ये इसके मुताबिक दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होगा, और ये भी इसी की चाइल्ड है तो ये भी इसके मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है, दाएं बाएं नहीं जाएगा। ठीक, अब ये तो थे इसके अंदर जो व्यूज हम ले आए। इसके बाद हमें इसके अंदर रखते हैं 3D व्यू भी, उसके लिए हम यूज करते हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू के नाम से बटन, इस पर क्लिक किया वैसे ही पार्ट के अंदर चले जाए दोबारा, इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक करें जैसे शेप में नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी उसी एंगल में आ जाएगा ये देखें आएगा ये ड्राफ्टिंग में। हाँ, तो इसको आप शेड वगैरह हम दे सकते हैं, इसके बॉर्डर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज खोल लें तो यहाँ पे आता है ये नीचे एक्सट्रैक्ट व्यू की बजाय रास्टर ऑप्शंस में जाके इसको शेडिंग विद एज करते हैं, क्या करते हैं शेडिंग विद एज,
अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड हाई क्वालिटी का लगा है तो इसकी क्वालिटी आप हाई कर लें, नहीं तो नॉर्मल रहने दें। अगर नॉर्मल पे भी सही नहीं दिखाया रहा है तो लो कर दें इसको, ठीक है। शेडिंग विद एच, ओके। तो ये देखें इस तरह पार्ट दिखाई देगा जब ये प्रिंटिंग में आएगा। सजी प्रिंटिंग में भी पार्ट ही दिखाई देगा। हाँ, ऐसे ही नज़र आएगा ना ये शेप जो चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसकी क्वालिटी हाई करते हैं तो ये थोड़ा सा और फाइन हो जाएगा। देखिएगा रास्टर ऑप्शन, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लाइक ये देखिए थोड़ा सा फाइन क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है। पहले ही ऐसे था ये, लो क्वालिटी में, नॉर्मल में। तो ये हैं इसके व्यूज, ठीक हो गया। सर जी सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू को मतलब आइसोमेट्रिक व्यू को करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब दोबारा ड्राफ्टिंग में सेव किए बगैर बंद कर रहा हूँ, फिर ड्राफ्टिंग खोलता हूँ। ड्राफ्टिंग अब इसकी बजाय मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, ठीक है। पेपर का साइज जो है वो A3 की बजाय मैं A2 को इस वक्त ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा पेपर हो जाता है उससे भी। ओके ओके करूँगा जैसे ही, तो इसके सारे व्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सारे ही, ठीक। टॉप भी ठीक, उस तरफ को उल्टा के भी, इस तरफ को भी उल्टा के, इस तरफ भी उल्टा के, इस तरफ भी उल्टा के, बॉटम भी आ जाएगा और आइसोमेट्रिक व्यू भी आ जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू को वैसे ही हम प्रॉपर्टीज में जाकर राइट क्लिक बॉर्डर पे करते हैं, प्रॉपर्टीज रास्टर शेडिंग विद, ये ऑप्शन नहीं हुआ, प्रोसीड शेडिंग विद एच, ओके। ये उसी तरह आ जाएगा। अब इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, एडिट पे जाएं, शीट बैकग्राउंड, उसी तरह वो फ्रेम टाइटल ब्लॉक पे क्लिक किया, सैंपल टू, ओके। इसको अब एडिट हम कर सकते हैं डबल क्लिक करके यहाँ पे, लेकिन ये जो चीज़ है अब ये डिलीट इधर एडिट नहीं हो क्योंकि ये वर्किंग व्यू का है। एडिट में जाके वर्किंग व्यू पे जाएंगे तो फिर ये वाली चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकती है, लेकिन ये अब ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। पता हो ये था, इसके सारे व्यूज आ गए। अब इसी तरह ड्राफ्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो ये वाला सिलेक्ट अगर करते हैं, ओके करते हैं, तो सिर्फ तीन व्यूज आएंगे, टॉप राइट और बॉटम, ठीक है। फ्रंट व्यू, बॉटम और राइट आ गया। इसी तरह अगर ड्राफ्टिंग के ऊपर ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो इसमें लेफ्ट आ जाएगा और टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। साइड चेंज हो रहा है एक बार, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं हमारा नॉर्मली जो प्रैक्टिकली सिस्टम होता है उसमें ब्लैंक शीट ज़्यादा यूज होती है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि कुछ नॉर्मली पार्ट ऐसे ही होते हैं क्योंकि हर व्यू की जरूरत नहीं होती, जैसा वो दाएं से होता है बाएं से भी वैसा होता है, तो हम सिर्फ दाएं रख लेते हैं बाएं नहीं रखते, ठीक है। इस तरह करके ये ब्लैंक शीट, ओके, सबसे पहले हम सेट करते हैं इसमें एडिट में जाके वर्किंग व्यू में फ्रेम टाइटल ब्लॉक सेट करते हैं इसका, उसके बाद फिर व्यू एडिट पर जाके वर्किंग व्यू, सबसे पहले फ्रंट व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे विंडोज़ में जाके उसका फ्रंट व्यू के तौर पे जो भी फेस आपने सेलेक्ट किया वो आ गया। फिर इसके जिस जिस फेस की ज़रूरत है वो प्रोजेक्शन के साथ ले लेते हैं, इसको डबल क्लिक करके तो इस तरफ को ले आते हैं, ठीक है। इसी को मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका मैं बॉटम ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये चार हुआ गया यहाँ पे। इसी तरह आइसोमेट्रिक व्यू, विंडोज पे जाके पार्ट खोला, आइसोमेट्रिक व्यू में रखिए, यानी कि जिस भी शेप में आप रखेंगे ना इसको क्लिक करने से वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज रास्टर शेडिंग विद एच क्लोज, ठीक है। इस तरह करके इनको फिर हम सेंटर से काटते भी हैं, काटने वाले व्यूज भी होते हैं, काट के अंदर से देखने वाला सारा कुछ करके फिर इनकी हम करते हैं डिमेंशनिंग, ठीक है। आज के लिए इतना, कल इनको हम काटेंगे सेंटर से और इनके व्यूज सेट करेंगे, परसों हम इनकी डिमेंशन करेंगे और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। सही किसी यूज होता है,